applause for Rais Anees Sabri. हाजरीन महफिल, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दिल्ली दरबार फेस्टिवल का कि उन्होंने मुझे हाजिरी का मौका अता फरमाया है। बहुत बड़ी बात है दिल्ली के एक ऐसे उस्ताद जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम और अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम से उनका नाम था, उस्ताद इकबाल खान साहब, उनके फेस्टिवल में आज मुझे हाजिरी पेश करने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उस्ताद खान साहिबा का कि उन्होंने मुझे हाजिरी का मौका अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मेरे घर वाले, मेरी फैमिली यहाँ तशरीफ़ रखी हैं, उनके बीच में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। इस साल का जो फेस्टिवल है, स्टेज पे मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा, वो सूफिज्म से रिलेटेड है। तो जिस से सूफी की पहचान है, आका नामदार नबी रहमत हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्रोफेट हैं, हमारे रहबर हैं, उनकी हदीस पाक है जो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्ला वजहुल करीम के लिए मैदान गदीर में आपने इरशाद फरमाया था, मैं उसी से महफिल का आगाज कर रहा हूँ। दिल्ली दरबार टीम से, उसद से और तमाम लोगों से इजाज़त का तलबगार हूँ, आप लोग इजाज़त से नवाजें। हमारे बड़े भाई अदनान साहब, महेब साहब, हमारी खाला जान, तमाम लोग यहाँ तशरीफ रखे हैं, सभी से इजाज़त चाहते हुए आगाज़ कर रहा हूँ समाज फरमाए। Oh.
शाहज़े करम कुशाए शेर यस्तान पयंबर बर सरे मिंबर नसिश्तो खान माला यश मल कुल का है
कर रहा हूँ मनकुन तिवारी वाला पे। जब आए आखिरी हज करके दीन के सरवर, जब आए आखिरी हज करके दीन के सरवर, तो ठहरे आप मकामे गदीर में आकर, ठहरे आप मकामे गदीर में आकर, जमाते और भी असहाबे जान सारी मगर, समर ही जाएगा ओ शाखिरत का शीरा, समर ही जाएगा हो शोखिरत का शीरा, समर ही जाएगा हो शोखिरत का शीरा, लगाइएगा जरा आप इससे अंदाजा, लगाइएगा जरा आप इससे अंदाजा, नबी है इल्म का मरकज अली है दरवाजा, तो ईमान हो गया ताजा, मन गुल तो बाया, मन गुल तो आना हाजा आया, दर 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 द
सरसों की लकड़ी सूखा भी पर सूखा पो सूखी लकड़ी सूखा पीपल सूखा पो सूखी लकड़ी सूखा पीपल सूखा पो फिर कहाँ से आई ये आवाज़ें दोस्त फिर कहाँ से आई ये आवाज़ें दोस्त नेस्त तारो नेस्त चोदो नेस्त पो नेस्त तारो नेस्त चोदो नेस्त पो खुद बजामी आयती आवाज़ें दोस्त ताना रखता हूं थोड़ा स्टेज पे फीडबैक दे दे मुझे कम आ रहा है मन कुंत अली माला फहाजा अली माला मतलब जिसका मैं माला उसका अली माला मौला कायनात के लिए हुजूर ने तकरीबन कई हदीसे पाक ऐसी की हैं कहीं कहा अली मिन नूरी वाहिद जिस नूर से मैं हूं उसी नूर से अली है सुभान अल्लाह कभी कहा मैं इल्म का शहर अली मेरा दरवाजा है मैं ये चंद मिसरे पढ़ रहा हूं मुख्तलिफ है और मुझे यकीन है क्योंकि जमाने भर की निगाहों का इंतखाब रहे हमेशा कांटों में घिरकर भी हम गुलाब रहे अली का नारा लगाकर ना पाई नाकामी अली के नाम की बरकत से कामयाब रहे अली वली है अली का मकाम किसको मिला नबी के दिल का खजाना तमाम किसको मिला सहाबा और भी हैं हजरत मोहम्मद के खुदा के शेर का दुनिया में नाम किसको मिला तो जद एक चार मिसरे पंजाबी जुबान में है लेकिन मेरा ईमान है इस बात पर आजम अली दे गुलाम वो अली बन जंदे ने फरमाते हैं दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे
तेरा पता नहीं, जिस तरह एक जाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली, बेदम यही तो काज है मकसूद कायनात, खैरुल्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, बेदम बस यही तो काज है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ली खमसतुन उतफी बिहा हर दिल कबा इल हातिमा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर दिल कबा इल हातिमा, अल मुस्तफा अल मुर्तजा वबना हुमा अल फातिमा, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद, ना है किसी के बेटे हसन और हुसैन ने तीरों की छाओ में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुनी यज़ीद, करते नहीं है हम तो किसी से खुदा के बाद, ऐराज़ अहले बैत की है शादी ही जुदा, मिलता है इनके दर से ही सब कुछ खुदा के बाद, मिलता है इनके दर से ही सब कुछ खुदा के बाद, मिलता है इनके दर से ही सब कुछ खुदा के बाद, कतले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कतले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, बेदम बस यही तो काज है, मेरे बड़े भाई अदनान साहब बैठे हैं, नाम भाई चार मिसरे पढ़ रहा हूं, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है, इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्ने अली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, क्योंकि बेदम बस यही तो काज है, गुजारिश है थोड़ी सी लाइट आवाम में देना, चंद मिसरे मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोहराएं, क्योंकि उसत का जो पैगाम है वो तकरीबन आम होना चाहिए, गायकी की फील्ड में वो कोई भी हो, सेमी क्लासिकल हो, क्लासिकल हो, सूफी हो, कव्वाली को तरजियत इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर पाक ने इस पे बड़ा काम किया, और हज़रत अमीर पाक से भी पहले कव्वाली पढ़ी जाती थी। मेरी गुजारिश है कि एक पैगाम दिल्ली दरबार से ज़रूर जाना चाहिए, हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजाए पाक बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैह, सुनने वाली बात, आपने अपने वालिद से कहा कि मैं हैरत में हूं जिस मजलिस में अली और आप इकट्ठा होते हैं, आप टिकटी की बांध के अली को देखते हो, इसका मसला क्या है? तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि इसका मसला यह कि मैंने हुजूर की जुबान से सुना है कि अली को देखना इबादत है, सुभान अल्लाह, और हम अली वाले हैं। अब दूसरी रिवायत में फरमाया कि अली अगर रास्ते से जा रहे हैं और अचानक भी नजर पड़ जाए तो भी इबादत। अब ये तो 1450 साल पुराना वाकया है, अब हम भी तो अली वाले हैं, उनका दम भरते हैं लेकिन गुनाहगार हैं, तो हमारे लिए फरमाती है, खुशखबरी भी है कि अली का जिक्र भी इबादत है। वाह वाह,
तो मैं गुजारिश करूंगा जितनी भी आवाम है माशाल्लाह सुरीली है, गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ दें और सिर्फ इतना कहें अली अली। क्या आज फेस्टिवल का एंड है, शबे बारात भी है और ये इबादत वाली रात है, तो मौला कायनात का जिक्र भी इबादत है, और सिर्फ इतना कहें अली अली। क्या इस्लाम की ताकत अली अली, आप दिल में कह दें, आप मेरे साथ कह दें, इस्लाम की ताकत अली अली, जोर से थोड़ा सा, इस्लाम की ताकत अली अली, कुरान की चाहत अली अली, सरकार की निस्बत अली अली, हम सब की मोहब्बत अली अली, अल्लाह का प्यारा अली अली, हर दिल का सहारा अली अली, तूफान में किनारा अली अली, हमें दे दो सहारा अली अली, हर दिल ने पुकारा अली अली, हर दिल ने पुकारा अली अली, काबे का अली अली, काबे का काबा अली अली, काबे का काबा अली अली, काबे का काबा अली अली, हसनैन का बाबा अली अली,